हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर फोर्थ ऑफ फ्लेक्सिबल बजट तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व अगेन अ क्वेश्चन ऑफ़ फ्लेक्सिबल बजट ऑफ पर यूनिट वैरायटी बिकॉज पर यूनिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो और एक क्वेश्चन उस टाइप का कर लेंगे ताकि आपका और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर सिक्सटी परसेंट एंड एटी परसेंट कैपेसिटी तो वी हैव टू प्रिपेयर सिक्सटी परसेंट एंड एटी परसेंट कैपेसिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अ फैक्ट्री इज करेंटली वर्किंग एट फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी मतलब क्वेश्चन में फिफ्टी परसेंट का डेटा हमें दिया है एंड फिफ्टी परसेंट से वी आर कैलकुलेटिंग सिक्सटी परसेंट और एटी परसेंटी और एटी परसेंट हमें कैलकुलेट करना है एंड फिफ्टी परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी में यू आर प्रोड्यूसिंग टेन थाउजेंड यूनिट्स तो बाकी का अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा फिफ्टी परसेंट के लिए अगर टेन थाउजेंड यूनि बना रहे हैं तो कैसे किया था हमने फिफ्टी के लिए अगर टेन थाउजेंड यूनिट्स बनाएंगे तो सिक्सटी के लिए कितने यूनिट्स बनाएंगे so तो दैट विल बी ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स तो सिक्सटी के लिए हम कितने यूनिट्स बनाएंगे ट्वेल्व थाउजेंड सिमिलरली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फिफ्टी के लिए टेन थाउजेंड यूनिट्स बनाएंगे तो एट्टी के लिए हाउ मच तो एटी के लिए वी विल बी प्रिपेयरिंग या मैन्युफैक्चरिंग सिक्सटीन थाउजेंड यूनिट्स Let us read थोड़े से एडजस्टमेंट्स है यहाँ पे एट सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी रॉ मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय टू परसेंट एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय टू परसेंट एट एटी परसेंट रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय फाइव परसेंट एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय फाइव परसेंट एट फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी आपके पास फिफ्टी परसेंट का इंफॉर्मेशन है उससे हम सिक्सटी और एटी का कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट है वन एटी सेलिंग प्राइस टू हंड्रेड है और ये प्रोडक्ट कॉस्ट का नीचे बाइफर्केशन दिया हुआ है सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है वर्किंग नोट्स के लिए थोड़ा जगह रखा है मैंने इन द बुक्स ऑफ डैश फ्लेक्सिबल बजट फॉर फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट एंड एट्टी परसेंट कैपेसिटी ठीक है तो अभी हमने कैलकुलेशन जो किया था वो पहले लिख लेते थे यहाँ पे तो टेन थाउजेंड यूनिट्स हमारे फिफ्टी परसेंट के लिए थे सिक्सटी परसेंट में हम कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स एंड एटी परसेंट में वी विल बी मैन्यूफैक्चरिंग हाउ मच सिक्सटीन थाउजेंड यूनिट्स तो ये हमने अभी कैलकुलेशन कर लिया है और आपको मैंने बता दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट मटीरियल तो चलो अभी देखते हैं मटीरियल का डिटेल कितना है तो मटीरियल अगर ध्यान से देखें तो लास्ट लाइन में है मटीरियल हंड्रेड रुपीज़ लेबर थर्टी रुपीज़ तो पहले वो दोनों चीज़ें लिख लेंगे फिर बाकी का सीखेंगे मटीरियल कितना है हमारा मटीरियल है हंड्रेड रुपीज और लेबर है हमारा थर्टी रुपीज तो मटीरियल यहाँ पे पर यूनिट में हंड्रेड लिखेंगे लेबर यहाँ पे लिखेंगे थर्टी और आपको अभी मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय टेन थाउजेंड तो देट विल बी टेन लैक्स आ जाएगा टेन लैक्स फिर थर्टी को मल्टीप्लाई करना है टेन थाउजेंड से तो लेबर का वैल्यू आ जाएगा थ्री लैक्स ठीक है काफी सिंपल है तो हंड्रेड इज गिवन इन द क्वेश्चन सीपी यू टेन थाउजेंड यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा टेन लैक्स थर्टी दिया था थर्टी को अगर टेन थाउजेंड यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा थ्री लैक्स तो टेन लैक्स और थ्री लैक्स आ चुका है अभी कुछ एडजस्टमेंट है ध्यान से पढ़ते हैं रॉ मटेरियल के लिए एट सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय टू परसेंट रॉ मटेरियल की कॉस्ट टू परसेंट से बढ़ जाएगी तो अभी मैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट टू परसेंट से बढ़ाऊंगा ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट है देखो सिक्सटी परसेंट में क्या हो रहा है रॉ मटेरियल की कॉस्ट टू परसेंट से बढ़ेगी तो हंड्रेड था हमारा पर यूनिट टू परसेंट से बढ़ेगी ये हंड्रेड लिया है टू परसेंट से अगर बढ़ जाएगी तो कितना होगा हंड्रेड एंड टू अगर हंड्रेड एंड टू को आपको मल्टीप्लाई करना है अभी ट्वेल्व थाउजेंड से वी विल गेट दी आंसर ओवर हियर ट्वेल्व लैक्स ट्वेंटी फोर थाउजेंड कितना आता है ट्वेल्व लैक्स ट्वेंटी फोर थाउजेंड काफी सिंपल कैलकुलेशन है ध्यान से आपको सोल्व करना है काफी पढ़ पढ़ के सोल्व करना है प्रॉपरली फिर 80 परसेंट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होगी 5 परसेंट से तो 80 परसेंट में 5 परसेंट से बढ़ने वाली है तो चलो फिर 5 परसेंट से बढ़ाएंगे 5 परसेंट से बढ़ाने के लिए ध्यान से पहले की वैल्यू लेनी आपको 100 और अभी 5 परसेंट से बढ़ेगी तो 100 प्लस 5 परसेंट विल बी हंड्रेड एंड फाइव अभी हंड्रेड एंड फाइव को आपको सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करना है तो वी विल गेट दी आंसर ओवर हियर सिक्सटीन लैक्स एट्टी दैट इज योर अमाउंट तो मटीरियल वी हैव कैलकुलेटेड लेट अस मूव टूवर्ड लेबर लेबर के बारे में क्या बोला है देखते हैं लेबर के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम पर यूनिट में सेम लेंगे तो लेबर के बारे में यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वी विल बी द लेबर लेबर सेम को अभी मैं सेम लिखता हूँ सेम मतलब अमाउंट नहीं लिखना है पर यूनिट लिखना है थर्टी इधर लिखा थर्टी यहाँ पे लिखा थर्टी को मल्टीप्लाई करना है ट्वेल्व थाउजेंड से तो वी विल गेट द आंसर ओवर हियर दैट इज थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड और सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी एट्टी परसेंट के लिए कैसे करेंगे थर्टी मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटीन थाउजेंड दैट विल बी फोर लैक एटी थाउजेंड तो ये हमारा हो चुका है मटीरियल और लेबर मटीरियल और लेबर के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री ओवर हेड सिक्सटी परसेंट फिक्स है बाकी वेरिएबल है देखो फैक्ट्री ओवर हेड्स यहाँ पे दिया हुआ है थर्टी थर्टी बोला है फोर्टी परसेंट फिक्स है ये कितना बोला है फोर्टी परसेंट फिक्स है और बाकी का वेरिएबल जाएगा तो चलो फिर अभी फिक्स और वेरिएबल लिख लेंगे ध्यान से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अलग लिखा है तो हमारा कितना परसेंट फिक्स है फोर्टी परसेंट फिक्स है और कितना परसेंट वेरिएबल होगा सिक्सटी परसेंट वेरिएबल हो कितना फैक्ट्री ओवर का वैल्यू दिया था थर्टी दिया था तो थर्टी का फोर्टी परसेंट ढूंढो तो दैट विल बी ट्वेल्व तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे नीचे आ जाएगा वेरिएबल में एटीन देन यू हैल्टीप्लाई ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई टेन थाउजेंड विल बी फिक्स वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड 18 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 थाउजेंड दैट विल बी वन लाख एटी थाउजेंड तो इट इज वेरी इजी और फिक्स में मैंने आपको क्या बताया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितना वैल्यू है उतना फिक्स लिख दो यहाँ पे एक लाख बीस आ जाएगा फिक्स और यहाँ पे भी एक लाख बीस आ जाएगा फिक्स अब एक लाख बीस हजार को अगर बारह हजार से डिवाइड करोगे तो आपको सी पी यू मिलेगा टेन वन लाख ट्वेंटी को अगर यहाँ पे सिक्सटीन थाउजेंड यूनिट्स है उससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको सी पी यू मिल जाएगा सेवन पॉइंट फाइव इट्स वेरी टू सिंपल और डिवीजन कर रहा हूँ अभी एटीन है वेरिएबल हमेशा पर यूनिट में सेम रहता है। तो वेरिएबल के लिए अमाउंट नहीं लिखेंगे पर यूनिट लिखेंगे 18, 18. 18 12, 000 करना है, तो दैट विल बी टू लैक्सटीन थाउजेंड फॉर वेरिएबल यहाँ पे एटीन मल्टीप्लाइड बाई करना है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा टू लैक्स एटी एट थाउजेंड तो दैट इज फिक्स एंड वेरिएबल का कंसेप्ट ध्यान रखना जो भी फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं वो अमाउंट में फिक्स रहते हैं सब में और जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो पर यूनिट में सेम रहते हैं सब में अगर पर यूनिट में सेम रहेंगे सिर्फ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अलग आंसर आ जाएगा अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेड्स देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोला है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवर दिया है ट्वेंटी फ़िफ्टी परसेंट फिक्स बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है ट्वेंटी का टेन आ जाएगा फिफ्टी परसेंट तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले देखो ट्वेंटी दिया है फिफ्टी परसेंट फिक्स मतलब टेन ट्वेंटी का फिफ्टी परसेंट टेन आ जाएगा यहाँ पे भी टेन आएगा टेन मल्टीप्लाइड बाय अगर टेन थाउजेंड करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा वन लाख ,00 आ जाएगा यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी टेन मल्टीप्लाइड बाय करोगे तो कितना आएगा वेरिएबल वो भी वन लाख ,00 ही आ जाएगा अभी जो फिक्स है वो सब में फिक्स रहेगा अमाउंट में तो पहले अमाउंट में फिक्स लिख लेता हूँ इसका पर यूनिट कैसे मिलेगा वन लाख डिवाइडेड बाय ट्वेल्व थाउजेंड करोगे ट दी अमाउंट पर यूनिट ओवर हेयर दैट विल बी एट पॉइंट थ्री थ्री फिर वन लैक डिवाइडेड बाय सिक्सटीन थाउजेंड करोगे तो यहाँ पे इसका पर यूनिट मिलेगा सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव फिर ये जो पर यूनिट है वेरिएबल का वेरिएबल का पर यूनिट हमेशा सेम रहता है तो टेन मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व थाउजेंड दैट विल बी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ओवर एंड टेन मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटीन थाउजेंड विल बी वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ओवर हियर इट्स वेरी सिंपल नाउ आई होप दिस मच कैलकुलशन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज ओनली कंसेप्ट रिमेन्स इन पर यूनिट दैट वेरिएबल और फिक्स में ध्यान देना है वो अगर गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा आगे अभी हम क्या करेंगे टोटल करेंगे कैसे टोटल करना है जो अमाउंट के कॉलम में लिखा है टेन लैक्स थ्री लैक्स वन लैख ट्वेंटी वन लैख एटी वन लैख और वन लैक आप ध्यान से टोटल करके चेक करना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा एटीन लैक्स तो फर्स्ट वाला जो है हमारा वहाँ पे हमको टोटल कॉस्ट मिलेगा एटीन लैक्स ठीक है एटीन लैक्स इसके यूनिट्स कितने थे वो भी लिख लेता हूँ एक बार टेन थाउजेंड था यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड था और यहाँ पे सिक्सटीन थाउजेंड था तो टेन थाउजेंड अठारह लाख को दस हजार से डिवाइड करना है विल गेट द सी पी यू ओवर हियर एज वन एटी अभी सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लेते एक बार फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी में सेल्स कितना था तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सोल्ड का वैल्यू है टू हंड्रेड ठीक है टू हंड्रेड है फिर वो इंक्रीज डिक्रीज बाद में देखते हैं तो अभी टू हंड्रेड लिखेंगे यहां पर यूनिट के कॉलम में लिख रहा हूँ टू हंड्रेड टू हंड्रेड को अगर टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ट्वेंटी लैक्स फिर यह ट्वेंटी लैक्स में से अगर एटीन लैक्स को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है टू लैक्स दैट इज योअर प्रॉफिट इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड दैट एज अ बैलेंसिंग फिगर यहां पे सीपी आ जाएगा ट्वेंटी सिमिलरली अभी कुछ इंक्रीज डिक्रीज बोल रहा है देखते हैं एडजस्टमेंट में कि एट सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय टू परसेंट एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाई टू परसेंट सेलिंग प्राइस जो है वो दो परसेंट से कम हो रहा है एट्टी परसेंट कैपेसिटी में मटीरियल प्राइजेस इंक्रीजेस बाय फाइव परसेंट एंड सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस बाय फाइव परसेंट फॉल्स तो एक में टू परसेंट से कम हो रहा है एक में फाइव परसेंट से कम हो रहा है तो चलो फिर वो अभी प्रेजेंट कर लेंगे ध्यान से यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ हमारी तो कितनी थी टू हंड्रेड थी प्राइस टू हंड्रेड माइनस टू परसेंट करना है तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी टू हंड्रेड माइनस टू मत कर देना वन नाइन्टी सिक्स वन सिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है ट्वेल्व थाउजेंड से यहाँ पे सेल आ जाएगा ट्वेंटी थ्री लैख फिफ्टी टू थाउजेंड फिर सिक्सटी परसेंट वाले जो जो अमाउंट्स लिखे उन सबको ऐड कर लो आपको टोटल कॉस्ट उसका मिल जाएगा बी ट्वेंटी वन लैख फोर्टी थाउजेंड फिर ट्वेंटी वन लैख फोर्टी थाउजेंड को ट्वेल्व थाउजेंड से डिवाइड करो आपको सीपीयू भी मिल जाएगा उसका वन सेवेंटी एट पॉइंट थ्री थ्री ट्वेंटी थ्री लैख फिफ्टी टू थाउजेंड में से ट्वेंटी वन लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस गेट द डिफरेंस एंड दैट विल बी योर प्रॉफिट टू लैख ट्वेल्व भी एक स्टार मार्क कर रहा हूँ बिकॉज ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है इसका सीपीयू मिलेगा सेवनटीन पॉइंट सिक्सटी सेवन पीयू कैसे मिलता है अमाउंट को यूनिट्स के साथ डिवाइड करो अभी सिमिलरली फाइव परसेंट से कम हो रहा है यहाँ पे थर्ड में जो है वो फाइव परसेंट से कम हो रहा है तो चो, चलो फिर यहाँ पे लिखेंगे टू हंड्रेड माइनस फाइव परसेंट दैट विल बी वन नाइनटी सिक्स को सिक्सटीन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है तो वी आर गेटिंग द आंसर एज थर्टी लैख फोर्टी थाउजेंड दैट इज योर सेल्स फिर यहां पे टोटल कॉस्ट अगर सारे अमाउंट्स को ऐड करोगे तो यहां पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी ट्वेंटी एट लैक ट्वेंटी एट थाउजेंड दैट विल बी योर टोटल कॉस्ट ट्वेंटी एट लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड को सिक्सटीन थाउजेंड से डिवाइड करोगे तो विल गेट आंसर वन सेवेंटी सिक्स पॉइंट सेवेंटी फाइव फिर डिफरेंस लेना है फिर से थर्टी लैख फोर्टी थाउजेंड और ट्वेंटी एट लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट अगेन वी आर गेटिंग द सेम दैट इज टू लैक्स ट्वेल्व थाउजेंड तो ये आपका प्रॉफिट है यहाँ पे सीपी आ जाएगा डिवाइड करना है सोलह हजार के साथ थर्टीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव यहाँ पे कितना आएगा सीपी यू थर्टीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे मैंने वन नाइन्टी सिक्स लिखा सेम लिखा वन नाइन्टी अमाउंट सेम आएगा थर्टी लेख फोर्टी वन नाइन्टी है टू हंड्रेड माइनस फाइव परसेंट तो बेसिकलीट वॉज द क्वेश्चन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट यूनिट्स टाइप ध्यान से इसको सॉल्व करना है आपको काफी कैलकुलेटिव होता है अगर हम ओनली अमाउंट्स के सॉल्व करें तो वो थोड़े इजी होते हैं और यूनिट के सॉल्व करें तो थोड़े से कैलकुलेटिव बन जाते हैं तो दैट वाज द क्वेश्चन आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन चैट कर सकते हैं आप और आपके डाउट्स क्लैरफाई कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर